हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो 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 हेलो
Thank you.
हेलो हेलो सभी जेंट्स पुरुष वर्ग उस तरफ बैठेंगे जिस तरफ कनात लगी हुई है और महिला वर्ग इस तरफ रामदारा का जो मेन गेट है। बोलो स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। बोलो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय हो। बोलो स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय हो। सभी मास्क लगाए रखे हो, दूरी बनाए रखे, आचार्य श्री से दूर से ही प्रणाम करे, भीड़ भाड़ नहीं करे, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करे। महाराज श्री मंच पर शीघ्र आने वाले हैं, सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें। पुरुष वर्ग उस तरफ, महिला उस तरफ, महिलाएं कनात की तरफ दूसरी साइड बिराजे। महिला वर्ग कनात की साइड में बैठेगी, पुरुष वर्ग जो कनात के पास चेयर पे खड़े हैं वो इस तरफ आ जाए, इधर भी चेयर लगी हुई है। पुरुष वर्ग जो चेयर पर बैठे हैं इस तरफ भी चेयर लगी हुई है, इस तरफ आ जाए आप। महिला वर्ग कनात के उस साइड, हाँ बोलो स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। बोलो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम 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 राम। बोलो स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। बोलो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय हो। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, महिलाएं भीड़ भाड़ नहीं करें, अपना मास्क लगा के रखे, उचित दूरी बनाए रखे। बोलो स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय हो। जो उस तरफ पुरुष बैठे हुए हैं कृपया उठकर इधर आए। हाँ कनात की साइड में महिलाएं बैठेगी, पुरुष वर्ग इस तरफ बैठेंगे रामदारा की तरफ। चेयर बुजुर्ग के लिए चेयर इधर लगी हुई है, इधर बता रहे। बोलो स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। सभी नाम स्मरण करें। राम 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 राम। बोलो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय हो। बोलो स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय हो। राम 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 राम। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करो। बोलो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय।
बोलो स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। बोलो शाहपुरा धाम की जय। जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। हो राम निवास धाम की जय। सद्गुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गणपति राजा महाराज धीरज से कड़ी खमो राम दे राम राम महाराज। सभी सभी शांति बना रखे, मास्क लगा के रखे, दूरी बनाए रखे। बोलो स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। बोलो स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। सभी से निवेदन है कि दर्शन दूर से ही करें और अपना अपना मास्क लगा रखे। शांति से सभी बैठे, जो भी खड़े हैं वो भी बिराज जाए। बोलो स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय हो। राम 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 राम। राम 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 बोलो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय हो। बोलो स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय हो। उदयपुर से पधारे हुए संत राम जी महाराज, चेतन राम जी भजन प्रवचन देंगे। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। स्वामी जी श्री बालकदास जी महाराज की। स्वामी जी श्री रामदास जी महाराज की। देखो भाई, नाश्ता करके नहीं आए क्या? जयकारे में आनंद नहीं आ रहा है, आज तो एकादशी भी नहीं है, तो अत्रो सोच क्यों करो? घरे जान तो रोटियां जिमनी है आपने, तो जयकारा में दम लगाओगे तो राम जी रोटियां दे ही देगा। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की। श्री राम निवास धाम की। सत्य सनातन धर्म की। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार।
राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार, भजिए बारंबार। विपति निवारण सुख करण उदे ज्ञान प्रकाश, राम चरण भज राम को, शरण हरण यम त्रास, शरण हरण यम त्रास। बोलिए बड़ा भैया। नमामि देवं गणनायकं सदा, भजामि पुष्पे सततं विनायकं, पठामि नामानि गजाननस्य, स्मरामि हेरं मुखं सुप्रसन्नं, स्मरामि हेरं मुखं सुप्रसन्नं, करचरणकृतं वाकं कायजं कर्मजं वा, श्रवणनयनजं वा मानसं वंपरादं, विहितं विहितं वा सर्वमेवं ततक्षमश्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो, जय जय करुणाब्दे महादेव शंभो। सर्वप्रथम अनंत कोट ब्रह्मांड अधिनायक राम सच्चिदानंद आनंद कंद दयालु कृपालु प्रभु श्री राम के श्री चरणारविंद में कोटिशः नमन। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के जन्मदाता महाप्रभु परम वितराग तपश्चरण योगीराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के श्री चरणारविंद में कोटिशः नमन करते हैं। वर्तमान अधिष्ठाता सूर्य समान तेजस्वी, चंद्र समान शीतल, समुद्र समान मर्यादित स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज के श्री चरणारविंद में कोटिशः नमन। मंचस्थ विराजमान पूज्यपाद गुरुदेव महंत श्री नरपत राम जी महाराज एवं देवास राम द्वारे के अधिष्ठाता संत श्री राम नारायण जी महाराज एवं समस्त संत वृंद की श्री चरणारविंद में कोटिशः नमन। भिंडर के इस राम द्वारा के प्रांगण में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के घट में जो परमात्मा विद्यमान है उस परमात्मा की श्री चरणारविंद में कोटिशः नमन करते हैं। पुनः एक बार जयकारा लगाएंगे हमारी राम स्नेही संप्रदाय की जो परंपरा है डोर बेल जिसे हम कहते हैं, राम जी राम राम महाराज। मैं एक बार बोलू दूसरी बार बोलना तब पता चलेगा भिंडर वालों में दम है कि नहीं। राम जी राम राम महाराज, राम जी राम राम महाराज। देखो कोरोना का समय चल रहा है, गले में कफ वफ नहीं जमे इसलिए मैं चेक कर रहा था कि किसी को खांसी वासी तो नहीं है, नहीं तो दूर हट जाऊं। अस्तु, महाप्रभु रामचरण जी महाराज की वाणी से हम सत्संग की दो बात प्रारंभ करें कि मानव तन दुर्लभ मिलियो, अरु भाग मिलियो सत्संग, समझ पाए सदगुरु कहे अब जन्मन कीजे भंग। महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने फरमाया है कि ये जो मानव का तन है ये बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, और श्रीमद् भागवत कथा के दसम स्कंद में भी कहा गया है कि दुर्लभो देहि दुर्लभो मानुषो देही देहिनाम क्षण भंगुर। ये जो मानव का तन है बड़ी दुर्लभता के साथ प्राप्त हुआ है, बड़ी कठिनाइयों के साथ प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों को पार करने के पश्चात हमें ये मानव तन मिला है, लेकिन ये मानव तन हमें प्राप्त तो हुआ लेकिन प्राप्त करने के पश्चात इसका कार्य क्या है? क्या केवल उदर की पूर्ति करना, मैथुनादि क्रिया करना या संसार के संबंध को निभाना इसलिए ये मानव तन मिला है? ये मानव तन मिला किस लिए हमें? तो महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने कहा है कि ये मानव तन अगर प्राप्त करने के पश्चात जिसने राम का भजन नहीं किया,
जिसने अपनी जिह्वा से प्रभु का स्मरण नहीं किया, तो ये उस मानव का जो जीवन है, मानव देह रूपी जो शरीर है, ये एक मिट्टी के ढेले के समान है। और मिट्टी के ढेले के ऊपर जब पानी की बूंद गिरती है तो वो मिट्टी का ढेला ढह जाता है, समाप्त तो हो जाता है। वैसे ही हमारे ऊपर न जाने कब काल रूपी जल गिरे और हम समाप्त तो हो जाए, उससे पूर्व ही हमें वो काल रूपी जल आए, उससे पूर्व ही हमें क्या करना है, राम का भजन करना है, प्रभु का स्मरण करना है, प्रभु का चिंतन करना है। इसलिए कहा है कि मानव तुन दुर्लभ मिलियो, अरु भाग मिलियो सत्संग, समझ पाए सदगुरु कहे। ये जितने भी संत महापुरुष आदि देव होते हैं वो कहते हैं अपनी जिह्वा से कि बहुत कष्ट करी पाइयो मिनख जन्म अवतार, ताही सफल कर लीजिए। इसको सफल और सुकृत और साकृत बनाने के लिए क्या करना है, ताही सफल कर लीजिए भज के सृजनहार। निरंतर इस जिह्वा से प्रभु नाम का स्मरण करना है, प्रभु नाम का कीर्तन करना है। और महाराज सतयुग में हमें परमात्मा प्राप्त हो सकते थे, द्वापर में हो सकते थे, त्रेता में हो सकते थे, लेकिन कलयुग में केवल तुलसी बाबा ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरहु पारा। यहां पे भी उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए या परमात्मा के एक मार्ग पर चलने के लिए हमें इस जिह्वा से क्या करना है, अरे बोलो क्या करना है, राम का भजन करना है, राम का स्मरण करना है, राम का चिंतन करना है। तो हम कह रहे थे कि मानव तन दुर्लभ मिलियो, अरु भाग मिलियो सत्संग, समझ पाए सदगुरु कहे, अब जन्मन कीजे भंग। इस जिह्वा से जिसने प्रभु का नाम ले लिया उसका जीवन साकृत हो गया, उसका जीवन उस परमात्मा के चरणों में विलय हो गया, उसके जीवन में आराम ही आराम है, उसके जीवन में आराम ही आराम रहेगा। अब आराम किसके जीवन में आता है, और एक पते की बात बताऊं, आराम कौन कौन करना चाहता है, हाथ ऊंचे करके बताओ, कोई नहीं करना चाहता। वाह वाह वाह, भिंडर वाले धन्य है। तो पचे जो घरे माचा लगाई रखे है वो कणी बातें है, दूजा बातें है कई, वणी बातें करो कि नहीं करो। आराम की तलब है, देख लेना अभी भी समय है, हाथ उठा लो, आराम कौन कौन करना चाहता है। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। आ प्रभु क्या कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ तो सही, तेरे दुख तेरे संताप तेरे जीवन में जो हताश निराशा है उसे मैं हटा दूंगा, लेकिन आ राम की शरण में। अगर तुम राम की शरण में आओगे ही नहीं तो तुम्हारे दुख तुम्हारी दरिद्रता तुम्हारा संताप हटेगा कैसे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो पहले संतों का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा, और संतों का सानिध्य प्राप्त करने से पूर्व आपको आपके माता पिता का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा। सानिध्य प्राप्त करने का मतलब यह नहीं कि माता पिता ने जो आदेश दिया उसकी पालना कर ली, हमें हमारा क्या कर्तव्य है उस कर्तव्य की पालना करनी है। जीवन में तीन तत्वों को आपने धारण कर लिया तो आपका जीवन आनंदमय बन जाएगा, प्रभुमय बन जाएगा। क्या, पहला मां, ये तीन तत्वों को जिसने धारण किया, पहला है मां, दूसरा है महात्मा और तीसरा है परमात्मा। आपने मां की सेवा की तो आपको महात्मा की सेवा मिलेगी, और आपने महात्मा की सेवा की तो आपको प्रभु की आराम से आराधना मिल जाएगी। इसलिए कहते हैं कि आपने ये जीवन में तीन तत्व जो धारण कर लिए तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। मैं तो छोटा सा पुष्प हूं रामस्नेही संप्रदाय का, यहां बड़े बड़े दिग्गज विद्वान विराजमान हैं, मैं तो महाराष्ट्र की एक महती कृपा समझता हूं स्वयं के ऊपर कि मुझ जैसे अबोध छोटे से साधु को बोलने का भी समय दिया। तो आप सभी की ओर से मैं महाराष्ट्र के चरणों में चार पंक्ति अर्पण करना चाहता हूं, अगर अच्छी लगे तो हाथ खोलना और नहीं लगे तो ठंड के मारे बैठे रहना। कि तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है,
ध्यान से सुनना कि तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है, कांटों की फिक्र मत करो, महाराज श्री का आशीर्वाद बहुत है, महाराज श्री का आशीर्वाद बहुत है। इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदास जी महाराज की, स्वामी जी श्री बालकदास जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की, सत्य सनातन धर्म की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। राम राम अक्षय धर्म इकराम सोही सब संता गायो, कली में धर अवतार संत जी भेद बतायो। राम राम समारंभाम राम चरणमार्य मध्यमाम अस्मत आचार्य पर्यंताम वंदे गुरुम परंपराम। यम सेवा समुपासते शिव इति ब्रह्मे इति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः करते इति न्यायिको अरहं नित्यथ जैन शासन रता करमे इति मीमांसको सोयम नो जना विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो। सत्यम अनंतं ब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म आनंद होके आनंदाता मंगल भवन अमंगल हारी सुख का सागर राम है। राम परात्पर पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। पुण्य श्लोक तपश्चरण ब्रह्म देशो आया धराम चरण जी नाम श्री महाराज के कल्प वृक्ष में प्रणम पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति प्रसरह प्रणिपात करते हैं। जिस परंपरा का ये स्थान है सोनाम धन्य नाम लिहारी प्रजिपा तपश्चरण बालक राम जी महाभाग और नामानुरागी परम तपश्चरण रामदास जी महाराज के पावन नाम का स्वरूप का स्मरण करते हैं। काका जी की परंपरा का स्थान कहलाता है। समुपस्थित ज्ञानी गुणी मनीषी पावन संतजन भाग्यशाली भिंडरवासी सभी सभी भक्ति भाव भावी भगवत चरणानुरागी मोक्षजनों ममता वात्सल्य मातृशक्तियों एक किसान को लालाते खेत देखकर एक देनदार जी को कर्ज चुकाने पर एक माँ को अपने खोए हुए बेटे के मिलने पर
एक पत्नी को परदेश गए पति के आने पर एक विद्यार्थी को परिश्रम के बाद मेरिट लिस्ट में नाम आने पर जो प्रसन्नता होती है, भिंडर की धरती पे रामदर में आने पर मुझे भी वही प्रसन्नता प्राप्त होगी। चराना की धरती पर रामस्नेही सत्संगी महेश्वरी समाज के प्रतिनिधि उपस्थित होकर के अनुरोध किया। एक लंबी अवधि बीत चुकी है, इस लंबी अवधि के बाद आप अपने रामदारे को जरा संभालिए तो सही, एक नजर कि भिंडर के राम द्वारा में रामिष्टई संप्रदाय का आपका मैचिंग कलर है या नहीं है, एक नजर डाल दें। अंतर मन में विराजमान मेरे आराध्य ने प्रेरणा दी कि नया साल और भिंडर में राम द्वारे का नया रूप जरूर देख लेना चाहिए। मैं सभी समर्पित उन व्यक्तियों को, साथ ही उन्हें भी जिन्होंने यत किंचित भी अंशदान रामद्वारे के चौमुखी विकास में इस गुलाबी प्रकाश में दिया है, उन सबको बहुत बहुत अंतकरण से साधुवाद व्यक्त करता हूँ। मैं इतना जानता हूँ ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ है, मैं ये भी जानता हूँ ये समाज के द्वारा नहीं हुआ है, और ये फैसला आपको लोक अदालत में स्वयं करना पड़ेगा। इस स्थान का नाम क्या है? प्यार से बोलो, जोर से बोलो। मेरे ख्याल से बोलने में GST नहीं लगेगा। क्या बोलते हैं इसे? इसलिए अगर आप यहाँ पर आए हैं तो राम के द्वारा, मैं और मेरे संत आए हैं तो राम के द्वारा, और ये गुलाबी रंग में चमक रहा है राम द्वारा तो राम के द्वारा। सबके भीतर राम के द्वारा प्रेरणा मिली, कायिक वाचिक मानसिक आर्थिक सामाजिक शारीरिक सभी सहयोग से एक अखंड यज्ञ यह जारी हो गया है निर्माण का। विज्ञान का युग है, मोबाइल युग है, इसलिए इसके विकास के शौर्य तो मेरे पास कब से ही आ रही थी। निर्माण चल रहा है, ऐसा हो रहा, अच्छा हो रहा, ये हो गया, वो हो गया, प्रयास करें। मैं भी अपने भीतर अपने आप को बहुत मजबूती से पकड़ के बैठा था, क्योंकि इज्जतदार साधु हूँ, नाक वाला हूँ, गाड़ी आवे देख रहे हैं सिंगल रो सत्कार, गाड़ी भी आती तो सिंगल का सत्कार के देख के आती है। मैं वो दिन का इंतजार कर रहा था कि कब चराना पे पहुँचूँ और कब मेरे भिंडर के मेरे अपने आत्मीय लोग वहाँ उपस्थित हो, कब आगाह करें। सहज योग बन गया 2022 रामिष्ठी संप्रदाय के सिंहासन और संतों को आपने याद किया। आने में बहुत सारे संकट थे, प्यार शर्तों पे होता नहीं, प्यार शर्तों पे होता नहीं, पर हमने प्यार शर्तों पे किया। जो बुलाने आए थे उनसे पहले शर्त कर ले, 2 गज की दूरी, मास्क। अब बताओ
दो गज की दूरी पे बैठे हो क्या? ईमानदारी क्यों नहीं है? अभी सावधानी बहुत जरूरी है। इस मुगालते में न रहिए, हमारा क्या हो सकता है, हमारा क्या बिगड़ना है। प्रकृति को चैलेंज न दें, ये व्यक्ति को चैलेंज नहीं, प्रकृति को चैलेंज है। प्रकृति, विकृति और संस्कृति, ये तीन चिंतनीय तत्व है। प्रकृति में जियो, विकृति को उखाड़ फेंको और संस्कृति की अर्चना करो। प्रकृति, हमें भूख लगी, हमने प्रसाद पाया, भोजन किया, प्रकृति। पर भूख नहीं है, गरम गरम कचौरी, गरम गरम मिर्ची बड़े, जलेबी, कलाकंद, गुलाब जामुन, रबड़ी, चमचम, मावाटी, दिल जानी समझते हो? अब भूख नहीं है, जबरदस्ती डाल रहे हो तो विकृति। आपने सोने चांदी के बर्तन में पाया, भले ही कई पकवान पाए, पर किसी भूखे व्यक्ति को आधी रोटी भी दी तो ये संस्कृति, ये हमारे संस्कार। अपने माँ बाप को अमेरिका में ले जाके ट्रीटमेंट करा दो, आपका कर्तव्य, कर्तव्य आपका धर्म है, कर्म है, आप करना पड़ेगा, ये प्रकृति। किंतु अनजान, अभावग्रस्त, पीड़ा पीड़ित, एक टेबलेट भी ले जाके अगर उसको दे दी है तो यह संस्कृति है, और एक अश्वमेध यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा। हमारी भूख प्यास और चाहत की तृप्ति कर्तव्य है। जरूरत न होने पर भी चाहना पाना विकृति है, पर जो पास है उसे लूटाना देना समाज और राष्ट्र के लिए वो संस्कृति है। आपने अपने बंगले बनाए आपकी प्रकृति, पर आपने रामदारा बनाया ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी संस्कृति। आपने अपनी संस्कृति को जिंदा किया है, अपने संस्कार, अपने बड़े बुजुर्गों के, वड़ीलों के धर्म को आपने जिंदा रखा है। संत के न होते हुए भी, जिस धरा पर संत कायम स्थिर नहीं है, न होते हुए आपने अपने सामाजिक व्यवस्था का आधार बने लिया, पर एक संस्कृति को जीवित रखा। मैं जितनी बार आपको धन्यवाद दूं उतना ही कम पड़ता है मेरे लिए। कोई तारीफ करके मुझे आपसे कोई काम नहीं है, मैं आपका कोई एजेंट भी नहीं हूं कि मैं आपकी प्रशंसा करूं, तारीफ करूं, पर गुलाब को गुलाब कहना भी तो मेरा मानवीय धर्म होगा। फिर कोई ये कहे कि गुलाब में सुगंध आती है दुर्गंध, चलो मैं ही आपसे पूछूं, बताओ गुलाब में सुगंध या दुर्गंध? पर कोई ये कहे कि दुर्गंध आ रही है तो गुलाब का दोष है कि उसकी नाक का दोष है? इसलिए मेरे राम स्नेही संप्रदाय में, मेरे राम रहने में, मेरी राम की संस्कृति में, मेरे राष्ट्र की आराधना में ये गुलाब की तरह सौरभ है, और इसमें अगर किसी को दुर्गंध आए तो उसके दिमाग, दिल और नाक का दोष है, न कि मेरी संस्कृति का दोष। विक्रम संवत 1817, जब रामिष्टि संप्रदाय की स्थापना भीलवाड़ा की धरती पर हुई, और विक्रम संवत 1823 जब महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज की अंतकरण से 36 अनुभवानी का उद्गम हुआ, कैसा होगा वो पवित्र दिवस, जहां व्यष्टिवाद से समष्टिवाद तक का चिंतन, जहां एलर्जी नहीं एनर्जी, व्यक्ति से समष्टि तक श्री महाराज ने प्रदान की, हर वर्ण और वर्ग को रास्ता बताया, कितनी दूरदर्शिता रही होगी।
अक्षय धर्म एक राम सोही सब संतां गायो। डंके की चौड़ दावे के साथ चैलेंज से कहा अक्षय धर्म, हमारा धर्म कैसा है? अक्षय धर्म है, जिसका क्षय नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता। हां, इस आणविक युग में भी कोई आणविक शक्ति का सामर्थ्य नहीं जो हमारे शब्द ब्रह्म पर आघात करे, ताकत नहीं। हमारा शब्द ब्रह्म विश्व को कंपा देने की ताकत रखता है, पर हमारे शब्द ब्रह्म को हिलाने की ताकत किसी आणविक शक्ति में नहीं है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म फौलादी सनातन धर्म है, इसे कोई डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। इसको नाम दिया है, क्या नाम दिया है? अक्षय धर्म एक राम। हमारा धर्म राम धर्म, हमारा राम धर्म केवल मंदिर के घंटे घड़ियाल बजाना या मंदिर की घंटे बजा करके भगवान के सामने दो हाथ जोड़ करके अपने स्वार्थ की प्रार्थना करना हमारा राम धर्म नहीं है। हमारा राम धर्म तो एक हाथ वाला जो जिसका एक हाथ है पर वो भूखे को दो रोटी दे रहा है, प्यासे को पानी पिला रहा है, वृद्ध माता पिता के पैर दबा रहा है, वो एक हाथ वाला भी राम और राष्ट्र धर्म का प्रतीक है, ऐसा हमारा सनातन राम। चाहत पूर्ति के लिए, मान सम्मान के लिए, अभिष्ट की पूर्ति के लिए, सत्ता चाहिए, हमने परमात्मा को पकड़ा, संतों को पकड़ा, गुरुजनों को पकड़ा, पर सत्ता मिलने के बाद संत गुरु परमात्मा कहाँ छूट गए पता नहीं। संपत्ति चाहिए, हमने परमात्मा को पकड़ा, घंटे घड़ियाल बजाए, मत्था टेका हमने गुरुद्वारों में, चर्च में गए, इबादत करी, राम द्वारा में मालाएं फेरी, पर हमारी संपत्ति की मांग पूरी होने के बाद पता नहीं कहां छूट गए सब। संतान चाहिए, भाटो भाटो देव कर जा रही हूं, न जाने हमने कहां ईश्वरत्व मान लिया, पत्थर में भी परमात्मा मान लिया, क्योंकि हमें एक संतान की कामना है, पर संतान मिलने के बाद हमें परमात्मा पत्थर दिखाई देने लगा। विचार करना, प्रशांत दिमाग से सोचना, समझना, सनातन धर्म में जन्म लेने वाला बालक बचपन से नाना नानी दादा दादी की अंगली पकड़ के मंदिर जाने वाला बालक कल बड़ा होकर के मंदिर में माथा टेकने में शर्म की अनुभूति क्यों करता है? बड़े बुजुर्गों की अंगलियां पकड़ के राम द्वारा में प्रणाम करने वाला बालक एक युवा बन जाने के बाद, विवाह हो जाने के बाद उसे प्रणाम करने में शर्म क्यों आती है? रामदर है जाने में शर्म क्यों आती है? कौन जवाबदार है और कौन है इसका जिम्मेदार? ये संस्कारों का भारत राष्ट्र है, मेरे भारत राष्ट्र का प्राचीन संस्कार सनातन संस्कार है, खुद भूखा रहता है तो भूखे को दो रोटी देने की कोशिश करता हो, खुद प्यासा रहता है प्यासे को पानी पिलाने की कोशिश करता है, खुद अभावग्रस्त रहता है दूसरों को प्रभावशाली बनाना चाहता है। किसकी लगी है नजर कि प्रभावशालियों को फूटी आंख देखना नहीं चाहता, जिसके पास है उसे सिन्ना छिनना चाहता है, वो खुद के पास है उसको अवेयर के रखना चाहता, उसको देना नहीं चाहता, चाहे माँ जाया भाई क्यों ना हो उसके खिलाफ भी वो कोर्ट में खड़ा है।
क्या कभी तुम्हारी आत्मा तुम्हारे भीतर इन विचारों से पीड़ित होती है? पूरी विश्व केवल मेरा भारत देश ऐसा देश है जिसको भ्रातृत्व राष्ट्र कहते हैं। राम और भारत के मिलन का राष्ट्र, राम और लक्ष्मण का राष्ट्र। मेरा भारत राष्ट्र जहां संत की अहेतु की कृपा से महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह जैसे जो एक स्वार्थी के लिए गुलामी स्वीकार कर लेता है, लेकिन संत पर तुलसीदास जी की देन से गुलामी को लात मार करके और जंगल में वहां प्रताप के गले लग करके फूट फूट करके रो करके गले मिलता है, यह भारत की सनातन संत संस्कृति की देन रही है। आज भाई भाई के खून का प्यासा कैसे हो गया? धन की प्यास ने भाई के खून की प्यास को जगाया, मानो मानो की रक्त का प्यासा हो गया। कारण धन की प्यास, धर्म की नहीं। धन बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं, किंतु धर्म सब कुछ। धर्म बहुत हो सकता है, बहुत कुछ। संपत्ति से बढ़िया अच्छी क्वालिटी कंपनी का बेड खरीद सकते हैं संपत्ति से, पर संपत्ति से नींद नहीं खरीद सकते। संपत्ति से बढ़िया बंगले खरीद सकते हैं, बंगले में रहने वाले इंसान संपत्ति से नहीं खरीद सकते। संपत्ति से बढ़िया गोल्डन चेन खरीद सकते हैं, पहनने के लिए गला नहीं खरीद सकते। संपत्ति से HM की बढ़िया गोल्डन वॉच खरीद सकते हैं, पहनने के लिए कलाई नहीं खरीद सकते। संपत्ति से सोने के पाइजेब खरीद सकते हैं, पहनने के लिए पैर नहीं खरीद सकते। सोने की अंगूठी खरीद सकते हैं संपत्ति से, अंगुलियां नहीं खरीद सकते। बढ़िया से बढ़िया ड्रेस खरीद सकते हैं लेकिन शरीर नहीं खरीद सकते। धन बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं, पर धर्म सब कुछ होता है। इसलिए अमेरिका धर्मराष्ट्र हो सकता है, विश्व के कई राष्ट्र धनराष्ट्र है, अमेरिका धनराष्ट्र, जापान जर्मन धनराष्ट्र है, लेकिन गर्व और गौरव है मेरा भारत राष्ट्र धर्म राष्ट्र है, मेरा भारत राष्ट्र धर्म राष्ट्र। तब महाप्रभु फरमाते हैं अक्षय धर्म इकराम, अक्षय धर्म इकराम, सोई सब संता गाय। अक्षय धर्म का नाम है राम, राम धर्म मेरा धर्म है और सब संतों ने गाया। राम चरण हम कहत है कया कबीरे नाम, सकल साथ सो दिया कलयुग केवल राम। सकल शास्त्र महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने ऐसा सरल सहज सुगम राम नाम साधना तत्व प्रधान मंत्र प्रदान किया, कोई भी ज्ञानी अज्ञानी पठित अपठित और किसी वर्ण वर्ग का व्यक्ति इस नाम का आश्रय लेकर के भीतर की शांति को पा सकता है। यह हमारी अज्ञानता है कि अमुक नाम से ही परमात्मा की कृपा होगी। यह हमारी सद्गुरु कृपा है, किसी भी नाम की प्रतिनिष्ठा राम गुरु की कृपा है। एक महात्मा से एक राजा ने पूछा, महात्मा भगवान के कौन से नाम का आश्रय लेने से भवसागर से पार हो जाएंगे, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी, रंकार कहने से या नवंकार कहने से? नमो अरिहंता नाम, नमो सिद्धा नाम, नमो आयर्या नाम, नवंकार मंत्र का जाप करें
या राम 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 राम, या ओम नमो भगवती वासुदेवाय, या ओम नमः शिवाय, या और कोई मंत्र। महात्मा ने कहा, राजन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम भिंडर में नहीं दे सकते हैं। महात्मा कहते हैं, राजन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम भिंडर में नहीं दे सकते हैं। तो राजा ने पूछा कहाँ देंगे, बोले गंगा के किनारे चलना पड़ेगा। राजा ने कहा पधारो, साधन किया, पहुँच गया हरिद्वार। और गंगा के किनारे पहुँचते ही हाथ जोड़ करके कहा, फरमाइए ना, हमारी जिज्ञासा शांत करिए, भगवान के कौन से नाम से उद्धार होगा, भवाटी से पार होंगे, जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी, आधी व्याधि उपाधि से जीवन मुक्त हो सकेगा। महात्मा ने कहा, राजन इस किनारे पे नहीं कह सकते, उस किनारे पे चलना पड़ेगा। राजा ने महात्मा की तरफ देखा और कहा, महात्मा जी क्यों पहरियां बुझा रहे हैं? अब उस किनारे पे चलना है तो कोई वहां जाने के लिए डावरीकरण रोड तो नहीं बनाई है सरकार ने, उसके लिए तो नौका चाहिए। महात्मा ने कहा, राजन ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, नौका चाहिए तो मांगो। राजा थे, सम्राट थे, हुक्म दिया और नौका आ गई, बिराजो महाराज चलो उस पे। महात्मा ने नौका को आजू से देखा, बाजू से देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा और कहा, राजन नहीं दूसरी नौका मंगाओ, ये नौका टेढ़ी मेढ़ी है, साफ नहीं है, दूसरी मंगाई। उसको भी देख के कहा, इसमें ये मिन में के स्वीन में के, तीसरी मंगाओ, तीसरी मंगाई, उसमें भी कुछ मिन, 10 नौका हो गई, पर समय कोई ना कोई कमी। महात्मा ने बताई, राजा झुझलाया और कहने लगा, महाराज आपको मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो मना कर दो, इसमें इज्जत का क्या सवाल है, ज्ञान पर किसी का एकाधिकार तो नहीं है, ज्ञान किसी के बाप की बपोती तो नहीं है, जिन खो जाते इन पाइया गहरे पानी पेट, पर परिश्रम का नाम ज्ञान है। महात्मा ने कहा, राजन झुझला क्यों रहे हो, आवेश क्यों कर रहे हो, क्रोध क्यों कर रहे हो, गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा एक बात बताओ बिंडा वालों, सच बोलना हो, झूठ मत बोलना, काला कौवा काटेगा। गुस्सा किस किस को आता है? नहीं हाथ खड़ा करना पड़ेगा, गुस्सा गुस्से वाले ही करना, देखो सोच समझ के खड़ा, सीधा सीधा हाथ खड़ा करो, गुस्से वाले हो आप, भाग्यशाली हैं, जिनको गुस्सा आता है बहुत भाग्यशाली है। मैं तो कहता हूं विधाता कौन सी मिट्टी से इनकी रचना करी जिनको गुस्सा आता है, गुस्सा बहुत जरूरी है, गुस्सा बहुत आवश्यक है। मैं भिंडर की किसी पत्नी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि मेरे पति को बहुत गुस्सा आता है, यह शिकायत कृपया मुझसे न करें। मैं उन पतियों के पक्ष में हूं जिनको गुस्सा आता है, और मैं उस पति के भी पक्ष में नहीं हूं जो ये कह कि पत्नी को गुस्सा बहुत आता है, वो बहुत भाग्यशाली पति है कि जिसकी पत्नी को गुस्सा आता है। गुस्सा बहुत अच्छी चीज, अगर आपके पास गुस्सा नहीं है आप बिंडर के बाजार की दुकान से खरीद लो, गुस्सा बहुत काम की चीज है, बहुत अच्छी चीज है। चलिए गुस्से से नुकसान नहीं, पर क्रोध किस किस को आता है? क्रोध, झूठ मत बोलो, गुस्से वाले कम लोग बैठे हैं, क्रोध वाले ज्यादा बैठे, मैं जानता अंतर्यामी हूं। तुम हाथ खड़ा नहीं करो इसका मतलब ये नहीं कि पता नहीं है मुझे, क्रोध ज्यादा व्यक्ति को आता है। कुछ लोगों का मानना है कि गुस्से और क्रोध में क्या फर्क है, बात तो एक ही है, गुस्सा करो क्रोध, लेकिन नहीं, आप लोग नहीं, फैसला आप करो गुस्से और क्रोध में करोगे। आपके घर में चौके में गैस की टंकी है कि नहीं है, उसमें गैस जरूरी है कि नहीं है? गैस खत्म हो जाए जब क्या दशा होती तुम्हारी, और सामने घर वाले खड़े हो तब खत्म तो गैस हुई,
गुस्सा तुम्हें आ रहा है, क्या शकल देख रहे, जाओ टंकी लेके आओ। अब बताओ गैस जरूरी है या नहीं है, तुम मत बोलो, शिकायत तो तुम्हारी है। गैस जरूरी है या नहीं है, है ना? जैसे गैस जरूरी है ऐसा गुस्सा भी जरूरी है। गुस्सा टंकी की वो गैस है जिससे वस्तु का निर्माण होता है। उदाहरण, बच्चा है स्कूल नहीं जा रहा है, प्यार से समझाते हो, नहीं मानता चॉकलेट देते हो, नहीं मानते एक चांटा देते हो। बताओ वो चांटा तुम्हारा गुस्सा है कि क्रोध है? बोलो, गुस्सा है कि क्रोध है? वो गुस्सा है। गुस्से के पीछे कल्याण की, वहां बेटा ये तेरी उम्र है स्कूल जाने की, पढ़। गुस्सा हमेशा परमार्थ पार्थिक कार्य न होने पर आता है, और क्रोध क्रोध स्वार्थ की पूर्ति न होने पर आता है। मैंने कृष्णम वंदे जगत गुरुम योगेश्वर कृष्ण को टेलीफोन करके पूछा कि क्रोध के बारे में आपकी क्या राय है। भगवान कहते हैं बहुत प्यारी बात, बड़ी मजे की बात कहते हैं, हृदय को छू लेने वाली बात कहते हैं। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते कामा कामात क्रोध भी जायते। क्रोध कौन सी किराने की दुकान से लाते हो तुम, विंडर में है कोई दुकान? कामात क्रोध भी जायते, तुम जिसका ध्यान करते से पाना चाहते हो, तुम्हारी कामना जगती है और कामना की पूर्ति नहीं होती तब क्रोध पैदा होता है, और जब क्रोध पैदा होता है तब कुछ नहीं दिखाई देता। एक पति पत्नी जा रहे थे तो पीछे से तांगे वाला आ रहा था, तो कह रहा था बाबूजी हट जाना, बाबूजी बाबूजी मेरा घोड़ा वक्र चाल का, बाबूजी हट जाना तांगा तीव्र गति से आ रहा है, हट जाना। वो नहीं सुना, उन्हें कहा बीबी वाले बाबूजी हट जाओ, और जैसे बोला बीबी वाले बाबूजी हट जाओ, किसको कह रहा बीबी वाले बाबूजी, होगी बीबी होगी तो तेरी होगी, किसको कह रहा बीबी वाले बाबूजी, और खुद की बीबी है। पर क्रोध में व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं चल पाता। वैज्ञानिक खोज हुई है, क्रोध की अवस्था में व्यक्ति का खून लिया जाए 120 खटमल एक साथ मर जाएंगे, इतना पाइजन होता है क्रोध में, इतना पाइजन होता है। मैं दवा लेके आया हूँ भिंडर में 2022 में, क्रोध की दवा लेके आया हूँ। जी जिसको क्रोध की दवा चाहिए हाथ ऊंचा काट लो, हाँ दवा चाहिए तो। मैं ये नहीं कहता आपको क्रोध आता है, आप हाथ खड़ा करेंगे मैं समझूंगा कि आपको दवा चाहिए। चार पूड़ी है देऊं क्या? चाहिए तो दूं, तो आगे अगली दुकान में दूंगा, अगले गांव में दूंगा, यहाँ क्या जरूरत? यहाँ किसी क्रोध आता ही नहीं है तो देने की जरूरत ही क्या? मैंने पूछा एक गांव के अंदर कि क्यों तुम्हारे यहाँ दशहरा मनता है, बोले नहीं। मैंने कहा रावण के पुतले में आग लगती, बोले नहीं। मैंने कहा भाग्यशाली तुम्हारे गाँव, बोले क्यों, बोले रावण ही नहीं है तो यहाँ जलाए गए कौन, और नकली रावण तुम विश्वास नहीं करते, असली रावण है ही नहीं, बाकी तो किसके मोहल्ले को इतना बड़ा रावण है। आजकल रावण में भी प्रतिस्पर्धा हो रही है, किसका कितना बड़ा रावण है, कितना ऊंचा रावण है, सब हमारे गांव का इतना ऊंचा रावण बनाया हुआ है। रावण की ऊंचाई हो रही है आजकल, राम की नहीं हो रही, उसमें भी प्रतिस्पर्धा हो रही है। चलो दवा है तुम्हारी तो कहीं काम में ले लेना, चार पूड़ी है क्रोध आए तो, अबेर कर रखना भूलना मत। पहली पुड़िया का नाम है क्रोध आए तो, पहली पुड़िया का नाम है अपने इष्ट को राम को याद करो, दूसरी पुड़िया का नाम है अपने गुरुदेव को याद करो, तीसरी पुड़िया का नाम है एक गिलास पानी पी लो जब क्रोध आए, चौथी पुड़िया का नाम है 10 मिनट के लिए जगह छोड़ दो। पर किस्मत प्रारब्ध की बात, जब क्रोध आता है ये चारों पुड़िया ठिकाने नहीं मिलती है।
ध्याय तो विषया न तुंगा संगस्ते सुजायते संगा संजायते कामात कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात इष्पति विभव इष्पति भ्रष्टात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति जीवन नष्ट। क्रोध का परिणाम जीवन नष्ट। क्रोध भी समय पर किया जाए तो लाभदारी। समय पर क्रोध कर लेते भीष्म पितामह, समय पर क्रोध कर लेते तो सरसैया पर भीष्म पितामह को लेटना नहीं पड़ता। क्रोध ये सब चीजें का अपना वक्त होता है। हम सारी शक्ति घर में अजमाते हैं, बॉर्डर के खाली पड़ी है, सोनी पड़ी है। चलिए, महात्मा ने राजा से कहा, राजन झुझला क्यों रहे हो? तो क्या आप एक एक करके 10 लोगों का मंगा ली, इसमें ये कमी इसमें ये कमी? आपको जो कहना कह दो। महात्मा ने कहा, राजन कितनी नौका हुई? बोले 10। अच्छा राजन एक बात बताओ, इस 10 नौका में से कौन सी नौका में बैठेंगे तो इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाएंगे? राजा हंसा के लगा, वाह आप कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। महाराज ये सभी नौका यही काम करती है, किसी भी नौका में कोई भी बैठे इस किनारे से उस किनारे ये नौका पार लगा देती है। महात्मा ने कहा सच? बोले हाँ महाराज बिल्कुल सच है, वर्षों से ये नौका गंगा के किनारे पे यही काम कर रही है, इस किनारे वालों को इस किनारे पे, इस किनारे वालों को इस किनारे पे, यही काम करती है नौका। महात्मा ने कहा, राजन यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे ये इतने सारे नौका में से किसी भी नौका में बैठे तो इस किनारे से उस किनारे पे लगा देती है, ऐसे किसी भी नाम रूपी नौका में बैठो वो भव सागर से पार कर देता है, जीवन को धन्य बना देता है। अक्षय धार्मिक राम सोही सब संता का जो एक राम। राम व्यष्टिवादी नहीं। रा करते है राष्ट्र, म करते है मंगल, पूरी राष्ट्र की मंगल कामना करना, राम राम करना है। स्वार्थी की पूर्ति के लिए राम राम रामचंद्र जी महाराज ने नहीं बताया, राष्ट्र धर्म का प्रतिपादन किया। और राम स्नेही भक्तों तुमको आरती आदि आरती रमता राम तुम्हारी तुमसे लागी तुम्हारी रमता राम से गल भरपूरा सूक्ष्म सब तुम्हारा नूरा। आरती सुमरण सेवा कीजिए सब निर्दोष ज्ञान गा लीजिए, आरती सुमरण सेवा कीजिए। ये चौपाई का इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? सबको कंठस्थ आरती रमता राम तुम्हारी, तो राम का सुमिरन और राष्ट्र की सेवा, ये रामिष्ठी समुदाय राम राम की भक्ति बताता है और राष्ट्र की सेवा की प्रेरणा देता है। इतना विराट हमारा रामिष्ठी धर्म है, ये गुलदस्ता है, हर समाज का पुष्प इसके अंदर जुड़ा हुआ है, हर समाज का पुष्प इसके अंदर जुड़ा हुआ है। इसलिए ये रामिष्ठी संप्रदाय की परंपरा बड़ी विलक्षण अनूठी अद्भुत 36,000 अनुभववान का दिव्य तत्व ज्ञान स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने आत्म कल्याण और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय च दिया है। इतने विराट ज्ञान के बाद में भी वाणी का सम्यक चिंतन पाठ करने के बाद में भी अंतर मन में शांति क्यों नहीं, परिवार में शांति क्यों नहीं, समाज में शांति क्यों नहीं, गांव और राष्ट्र में शांति क्यों नहीं, वेद पुराण शास्त्रों का यह देश इसकी बात अशांति क्यों? एकमात्र कारण है और वह है ईगो। क्या टकराता है हमारा? अहम टकराता है। एक साथी सुनाता हूँ, उसके बाद आज के प्रवचन को मैं विश्राम देता हूँ, क्योंकि लंच भी तभी तक अच्छा लगता है जब तक मंच भी तभी तक अच्छा लगता है जब तक लंच का समय न हो जाए। अब लंच का समय आ जाए तो मंच को नमस्कार कर लेना चाहिए, वो ज्यादा श्रेष्ठ कर रहा होता है। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं आज कल ये प्रसाद वितरण करता हूँ, बढ़ता हूँ। क्या कारण है पारिवारिक अशांति का, पारिवारिक कलह का, सामाजिक कलह का? वैसे तो 3 बिंदु हैं, पहला अज्ञान, दूसरा अहंकार, तीसरा अर्थ, चौथा कोई कारण नहीं। पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए कि अशांति का मूल कारण क्या है। संत
समस्या का समाधान करने के लिए ही तो आते हैं। संसार समस्या है और संत समाधान है, संत समाधान है। जहां भी है वह हमारा अहंकार टकराता है, कुछ कह गए सुन लो एक बार और डायरी में नोट कर लेना, कुछ कह गए कुछ सह गए और कुछ कहते कहते रह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत इसी खेल में न जाने कितने रिश्ते डह गए। मैं सही, लड़ाई किस बात की, मैं कह रहा हूं जो सही सब गलत, मैं सही सास के मैं सही, बहू के मैं सही, पिता के मैं सही, बेटा के आई एम राइट मैं सही। कुछ कह गए कुछ सह गए कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत इस खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। तो जो सह गए वो रह गए और जो कह गए वो ढह गए। तो सहना और सुनना सीखो, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, घर स्वर्ग बन जाएगा। ये दोनों हमारा कमजोर है, सुनना भी कमजोर हो गया और सहना भी कमजोर हो गया। अभी तो सीजन चल रहा है सहने का, काय का सीजन है, ये सर्दी है ना, सर्दी सहन करो, सीजन से ही सीख लो। ये सर्दी सहना सिखाती है, सर्दी सहना सिखाती है। सर्दी जितना खाओ उतना पचे और जितना पहनो उतना जचे। हाँ, ये सर्दी का सीजन ही ऐसा ही है, जितना खाओ उतना पचे और जितना खाओ पहनो उतना जचे। तो अब सुनने का काम आज का पूरा, अब पचे ऐसा काम शुरुआत कर देंगे अपन। आइए अब सब लोगों के प्रति बहुत 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 मंगल कामना करता हूँ। बड़ी ही प्रसन्नता है मेरे राम को आपके स्थान के प्रति आस्था विश्वास और निष्ठा के प्रति, रामकृष्ण ही संप्रदाय के प्रति भिंडर के साथ सनातन संबंध रहे हैं। हमारे पूर्वाचार्यों ने यहाँ पधारकर बहुत अनुग्रह किया है, इस शरीर को भी पूर्व में आने का योग बना और लंबी अवधि के बाद पगड़ी बंद एक आध कोई नजर मेरे को आ रहे हैं, बाकी लगभग वो भी अब नहीं है। कितने ही शरीर परमात्मा को प्रिय हो गए, जो बच्चे थे बड़े हो गए, जो बहुत बड़े थे वो कहीं आगे बढ़ गए, नई कई नए लोग भी आए हैं। आज सबके बीच आके प्रसन्नता की अनुभूति, आप सबका जीवन मंगलमय बने। कोरोना और ओमिक्रॉन, अब कोरोना कह रहा मैं जा रहा हूँ, ओमिक्रॉन तेरे को सौंप रहा हूँ। सावधानी जरूरी है, मुगालते में न रहें, मास्क का प्रयोग करिए, दूरी बनाए रखिएगा, हर प्रकार से दर्शन दूर से करिएगा और 2 दिन के सत्संग का लाभ जितना आप ले सके लेने का प्रयास करिएगा। कुछ क्षण नाम स्मरण कर लेवे, राम 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 राम। अभी एक भजन हमारे संत, अभी हमारे उदयपुर के युवा संत चेतन राम जी से आपने सत्संग सुना था, उनके गुरु भाई संत राम जी वो आपको भजन सुनाएंगे, उसके बाद आरती का कार्यक्रम होगा। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्नासुव ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ब्रो सच्चिदानंद भगवान जय हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज जय हो। जो भी भक्त बाहर से आए हैं, भोजन प्रसाद की व्यवस्था है यहाँ। कार्यकर्ताओं का, आयोजकों का आतिथ्य पूर्वक उन लोगों से अपेक्षा है बिना प्रसाद पाए ना जाएं। और अपने मोहल्ले में बुला के मेरे साथ ऐसा करोगे ऐसा मुझे नहीं मालूम था कि अपने मोहल्ले में बुला के। बात तो दो दिन की सत्संग की थी तो बोले नहीं दो तीन तो कम पड़ते हैं, तीन दिन तो होना ही चाहिए। तो तीन दिन के ही तो ठीक है। तो फिर हमने कहा सत्संग एक टाइम ही होगा, बोला हाँ एक ही टाइम होगा। आप हमारे मोहल्ले गली में तो आओ, फिर उसके बाद हमारे मोहल्ले में आओ, फिर देखेंगे। आप मोहल्ले में बुला करके प्रार्थना हो रही है कि शाम का क्या होगा, शाम को भी सत्संग होगा क्या? अगर मैं मना करता हूँ तो ये सब भिंडर वाले समझदार ये क्या कहेंगे, महाराज सुबह प्रसाद पाया ना आपने, और शाम को प्रसाद पाओगे कि नहीं पाओगे? अब ये सर्दी है भैया, ये सर्दी में घर छूटना मुश्किल है। अरे नहीं आएंगे। अच्छा सर्दी के डर के कारण सर्दी की परवाह नहीं करोगे आ जाओगे, पर तुम्हारे घरों में सीरियल चलेगी उसका क्या करोगे? घर में सीरियल चलेगी तो फिर वो उसको छोड़ के कैसे आओगे? पक्का देखो सोच समझ के बोलो। जो वादा किया वो पक्का। तो शाम को आरती होती है 5:55 पे, संध्या आरती होगी 5:55 पे, तो शाम को 6 से 7 रखें आरती के बाद। बहुत लेट नहीं, 8 बजे बहुत लेट, सर्दी का टाइम है। 7 से 8 या 6 से 7? 7 से 8 पक्का। और 8 बजे मैं नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लोगे? नहीं कथा कभी लंबी होगी तो क्या करोगे फिर? तो मजबूत होके आना, मतलब अभी तो मैंने प्यार किया, डांटना तो बाकी है, शाम को डांटूंगा। चलिए ठीक है, आरती का टाइम 5:55 पर आरती यहीं होगी 5:55 पे, और 7 बजे से 8 बजे तक सत्संग का कार्यक्रम। अब क्या कह सकते भिंड वालों को, आए फंसे सो आए फंसे। एक कथा है ये सुना हुआ बाद में। चलिए भजन का लाभ ले ले पहले, फिर आरती करिए। हाँ बेटा बोलो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। सर्दी तो वैसे बहुत ज्यादा ही है, लेकिन इतनी देर ज्ञान गंगा की वर्षा हुई है तो उसका कुछ तो असर हमारे पे होना ही चाहिए। और सर्दी भी असर दिखा रही है तो लगभग 1 घंटा हो गया है सत्संग को भी, तो उसका असर भी दिखना चाहिए। तो
तो बड़े प्रेम और भाव के साथ में और काफी समय बाद में हमारे इस भिंडर नगर के अंदर आचार्य श्री का आगमन हुआ है, तो वो खुशी भी हमारे अंदर दिखनी चाहिए और आचार्य श्री को भी लगना चाहिए कि मेरा भिंडर नगर के अंदर आगमन हुआ है, तो भक्तों की कितनी बड़ी खुशी है। तो बड़े प्रेम और भाव के साथ में सभी जयकार लगाएंगे। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदास जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की, सतगुरु देव की। आइए, सुख का सागर राम है, दुखी का भंजनेहा, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार, भजिए बारंबार। बोलिए राम गुरु महाराज की। आज हमारे इस रामद्वार के अंदर आनंद का विषय है, तो बड़े प्रेम और भाव के साथ में सभी साथ में गाइएगा आनंद के साथ में ताली की सेवा करते हुए। अरे आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद रमे आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद रमे सतगुरु के दरबार में, मेरे बाबा के दरबार में, सतगुरु मेहे आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद क्या लिखा है? आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में। क्यों लिखा है? किसी शायर ने कहा है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्रेम कितना है। तो ये कहाँ पूछे जाते हैं? ये संतों के सानिध्य के अंदर और इन रामद्वार के आनंद के अंदर। इसलिए क्या लिखा है? आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद देश रे परदेशिया वे सतगुरु के दरबार में, देश रे रमे सबको मन की शांति मिले, हो सबको मन की शांति मिले, मेरे बाबा के दरबार में, आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे। देखिए हमारे पास कौन है? हमारे गुरुवर हैं। वो कैसे और गुरुवर की महत्वता क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं बहुत वैसे भी बहुत कम बोलता हूं। आवाज सेट करो, वैसे भी मैं बहुत कम बोलता हूं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कब कौन सी अच्छी बात बोल दूं, ठीक है? एक वर्ष की कीमत
उस बालक को पता होती है जो उत्तीर्ण होने से रह जाता है। क्या? एक वर्ष की कीमत उस बालक को पता होती है जो उत्तीर्ण होने से रह जाता है, और एक महीने की कीमत उस माँ को पता होती है वो एक महीने पहले जिस बालक को जन्म दे देती है। और उसके बाद क्या आता है? हफ्ता, एक हफ्ते की कीमत उस संपादक को पता होती है जिसे साप्ताहिक अखबार निकालना होता है, और एक दिन की कीमत किसे पता है? जिसे अगले दिन क्या फांसी होने वाली है। क्या? एक दिन की कीमत उसे पता है जिसको एक दिन बाद में फांसी होने वाली है, और एक घंटे की कीमत उस प्रेमी को पता है कि प्रेम की कीमत कितनी है, और एक क्षण की कीमत किसको पता है? जिसकी ट्रेन अभी अभी यहां से निकल गई हो। क्या? एक क्षण की कीमत किसको पता है? जिसकी ट्रेन अभी अभी यहां से निकल गई हो। और एक गुरु की कीमत किसे पता है? जिसके पास गुरु नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या है? आचार्य श्री विराजमान है, और आचार्य श्री का और गुरुवर का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो ये आज इस आशीर्वाद के स्वरूप ही इस भंडार के अंदर, इस रामद्वारे के अंदर हम ये सत्संग सुन रहे हैं। ये हमारे को ज्ञान की सुनने के लिए हमारे को ये अवसर प्राप्त हुआ है। ये जीवन के अंदर बहुत कम जनों के ये अवसर आता है कि हमारे को सत्संग का लाभ हो। तो लोग पूछते हैं कि सत्संग कब सुनना चाहिए और कब करना चाहिए। तो कोई काफी सारे भक्त लोग हमारे को मिलते हैं कि राम जी आप इतने बाल्य अवस्था से संत बनकर इतने छोटे के अंदर ही कथाएं करते हैं, भजन करते हैं, तो आपकी अभी तो उम्र हुई नहीं है। तो ये भजन करने की कौन सी उम्र हुई? भजन तो बुजुर्ग लोग करते हैं बुढ़ापे के अंदर, लेकिन ये कहां लिखा है कि भजन बुढ़ापे में ही किया जाता है? तो आइए कुछ पंक्तियां गुनगुनाइएगा बड़े प्रेम और भाव के साथ में। सत्संग सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, सत्संग सुनो जवानी में बुढ़ापा हे, कीर्तन सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में हे, ये हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार, ये हाथ हुए बेकार चार ताली बजाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, ताली बजाओ जवानी में। सही बात है ना, बुढ़ापा हो जाता है, अवस्था हो जाती है, तो उसके बाद क्या हाथ काम नहीं करते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो फिर भी ताली नहीं बजा सकते ढंग से। इसीलिए क्या कहा है, उन भाई लोगों से भी निवेदन है जो हाथ बांध के उधर जो रामद्वार के द्वार के वहां बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप भी इसी रामद्वारे में विराजमान है तो आप भी गाने का प्रयास करें। तो क्या लिखा है, ये हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार, ये ताली बजाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, ताली हे भजन सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन सुनो जवानी में हे, ये आंख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार, ये दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दर्शन करो जवानी
हे भजन सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन सुनो जवानी में बुढ़ापा। हो हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार, हो हाथ हुए चार ताली बजाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, ताली बजाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा। हे भजन सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए राम गुरु महाराज की जय, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय, श्री राम निवास धाम की जय। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। आप हो गुरुदेव जी न पति अगम ज्ञान प्रकाश है, और नयन के तुम देव वायक अज्ञता तिमनाश है, यथा निज पद पाहियो हम आ कृपा पूर्ण है, नमो जी रिछ पाल सत गुरु काल कंटक दूर है, संग सत गुरु देव जी को महाभाग्य पाय है, भर्म कर्म अरु शर्म संशय शो के सार जाय है, शुद्ध आत्म अमल पे के पाय निश्रय नाम को, अहंकृत ज्ञान भागो रंग लागो राम को, गुरु नित गुण गा या परगट दीन की दयाल है, राम चरण चित चरण लीनो कियो है मोह निहाल है, राम चरण चित चरण लीनो कियो है मोह निहाल है, आप है गुरु परम पावन ज्ञान धन दा
तारे श्री स्वामी राम मैं दयाल जी महाराज श्री अवतार है मर्मज्ञ वेद पुराण के जाने सभी का सार है महाराज श्री की वाणी का नित करे आप प्रचार है महाराज श्री की पीठ पावन पर विराज आप है कीर्ति विमल जग चार है सर्वत्र जय जयकार है कीर्ति विमल जग चार है सर्वत्र जय जयकार है स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय स्वामी जी श्री रामदास जी महाराज की जय स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय श्री राम निवास धाम की जय सदगुरु देव की जय सत्य सनातन धर्म की जय राम जी राम राम महाराज हेलो सभी बाहर से पधारे हुए उनका